अब हम लोग सी एस एस टैक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, सी एस एस में टैक्स के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जिससे उसमें बहुत सारे चेंजेस किया जा सकता है। उसमें है पहला प्रॉपर्टीज है, उसका टैक्स कलर बदलने के लिए हम लोग डायरेक्ट कलर का यूज करते हैं, COLOR लिखते हैं कंप्यूटर में, और जनरली हम लोग इंग्लिश में COLOUR बोलते हैं, पर कंप्यूटर में COLOR होता है। और इसी को लेकर इसके बाद हम कलर का नेम या हेक्सा डेसिमल कोड में या RGB में वैल्यू देते हैं। कलर प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम लोग आगे ही से पता है, फिर भी बता दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत देर से हम लोग अभी तक नया एक वेब पेज भी नहीं बनाया है, नया HTML का पेज बना लेता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ text.html के नाम से, जहाँ पर आपको सेव करना है text.html। अब मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ H1 में वेलकम और H3 में लिख देता हूँ सब सीखो आसानी से। अब सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज कर लिए क्या करेंगे, हेड टैग के ऊपर और टाइटल टैग के नीचे स्टाइल टैग को शुरू करें। शुरू करने के बाद जिस एलिमेंट का कलर चेंज करना होगा कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने H1 को सेलेक्ट कर लिया डायरेक्ट और मैं कलर लिखता हूँ। कलर लिखने के बाद मैं अगर रेड लिख दूंगा और सेव करूंगा तो रिफ्रेश करूंगा तो देखिए रेड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में जाते हैं। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द हॉरिजेंटली अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज का यूज करिएगा तो आपको हॉरिजेंटली उसमें आप चेंज कर पाइएगा, डिजाइन कर पाएगा। जैसे हॉरिजेंटली, जैसे ये माउस देखिए ऐसे सीधे, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, सीधे चल रहे हैं वैसे। देखिए माउस का क्या है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, और वर्टिकली ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और एक कंडीशन आता है जिसमें बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट हो जाता है, उसको जब डायरेक्शन बदलते हैं तब डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज में लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड है। चलिए एक एक करके बताता हूँ। उसके लिए हम लोग फेक ले लेते हैं कुछ लिखा हुआ, लोरम इप्सम वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ से हम लोग को कुछ डमी टेक्स्ट मिल जाता है। हाँ, इसी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैंने कॉपी किया और इसको इसके नीचे मैं पैराग्राफ टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज के बारे में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइन अगर मैं लिखूँगा आपको लेफ्ट और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये लेफ्ट की ओर अलाइन हो जाएगा। पहले से ही बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की ओर अलाइन है तो नहीं पता चल रहा है, राइट में करके दिखा देता हूँ। RIGHT और मैंने सेव किया। सेव के बाद रिफ्रेश करूँगा, देखिएगा इधर से अलाइन हो जाएगा। ये देखिए इधर से अलाइन हो गया। अब देखिए इधर से अलाइन नहीं हुआ। अब आपको साफ साफ पता चल जाएगा जब मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगा, लेफ्ट सेव करता हूँ। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से अलाइन रहता है, देखिए लेफ्ट में अलाइन हो गया इस बार। और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर मैं जस्टिफाई लिखता हूँ, जस्टिफाई और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश जैसे करूँगा तो देखिएगा अभी तो एक साइड से अलाइन है, इस बार दोनों साइड से अलाइन हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर सेंटर इसमें लिखेंगे CENTER और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सारे सेंटर से हो गए, ठीक है, देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की ओर लिखाता है जो भी एलिमेंट आप लिखिएगा तो, पर आपको डायरेक्शन बदलने का मन होगा तो RTL लिखिएगा, यानी राइट टू लेफ्ट से वो डायरेक्शन बदल जाएगा। मैंने इस पर बात किया था, जैसे ही आप टेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, पर आप डायरेक्शन में RTL लिख दीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट राइट डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए एग्जांपल में दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 में हम लोग जो लिखे थे
वो अभी लेफ्ट से अलाइन है, हम लोग को मन है कि राइट से अलाइन करने के लिए, तो क्या करेंगे उसको लिए हम लोग H1 को मैंने सेलेक्ट किया, और डायरेक्शन में डायरेक्शन लिखता हूँ और RTL लिख देता हूँ, RTL, और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये राइट से लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अब इसी में है यूनिकोड BD, अब BD ओवरराइट, तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं इससे क्या होगा। यूनिकोड BD का प्रयोग क्या करते हैं, यूनिकोड BD करिएगा तो आपका टेक्स्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, H1 को मैंने सेलेक्ट किया, यूनिकोड BD, और यहाँ पे BD ओवरराइड मैं लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे वेलकम लिखा है, ये उल्टा हो जाएगा। ये देखिए EWELCOM, ये उल्टा हो गया टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका यही काम था। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट, हम लोग इससे पहले बात किए तो हॉरिजेंटली, जो ऐसे अलाइनमेंट होता है, ठीक है, ठीक है ऐसे। अब वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर अलाइनमेंट के लिए, उसमें टॉप मिडिल बॉटम ये दोनों प्रॉपर्टीज का उपयोग होता है। इसको एग्जांपल के लिए इसको हम लोग एक इमेज के साथ प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई इमेज अलग है और इमेज में आपको कोई उसका टेक्स्ट इधर उधर हो रहा है, तो उसको हम लोग सही से दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में क्लियर होगा, पहले मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ना पैराग्राफ लिखूंगा और इसमें लिखूंगा दिस इज, और इसके बाद एक इमेज टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं इमेज में यहाँ पे दे दूंगा ब्रह्मास्त्र ट्रिक लोगो, ठीक है। और यहाँ पे इमेज में लगा देता हूँ BT.png नाम का मेरा इमेज है, मैंने इमेज को ऐड कर दिया, और विथ दे देता हूँ 200 पिक्सल, और हाइट भी दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए इमेज यहाँ है और दोनों टेक्स्ट नीचे आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट नीचे रहता है, इमेज ऊपर हो जाता है। अब उनको मन है कि इसके लेबल बनाएं और तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करें, टॉप मिडिल बॉटम, तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे। आपको यहाँ इस इमेज का आप चाहिएगा तो एक आईडी या क्लास दे सकते हैं, और ज़्यादा है तो, अब मैंने अभी क्लास व्लास दिया नहीं, तो डायरेक्ट मैंने इस इमेज टैग को एक्सेस कर लेता हूँ। एक्सेस के लिए तो मैंने बताया बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अब वर्टिकल अलाइन लिखता हूँ, अगर मैं इसको मैं टॉप लिखता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो देखिएगा, ये देखिए इस इमेज के टॉप में ये लिखा गया, ठीक है, इमेज के ऊपर ये लिखा गया टेक्स्ट। और मैं मिडिल में करूँगा यहाँ पे और सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए इसके इमेज के मिडिल में आ गया, ठीक है। और बॉटम तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए बॉटम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन, द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज टू सेट और रिमूव डेकोरेशन फ्रॉम टेक्स्ट, द वैल्यू टेक्स्ट डेकोरेशन नन इज ऑप्टेन यूज टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स। ये देख लीजिए इसका उपयोग हम लोग टेक्स्ट में डेकोरेशन के लिए करते हैं, जैसे कि एंकर टैग में हो गया, एंकर टैग लिखने के बाद बाई डिफॉल्ट ब्लू कलर का आ जाता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, मैंने एंकर टैग को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं शार्प का सिंबल दे देता हूँ, क्योंकि किसी पर अभी क्लिक नहीं कराना है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग शार्प पर क्लिक लिख देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक में लिखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। अब हमको इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना है, इसके नीचे मैं एंकर टैग सेलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट डेकोरेशन और नन कर दूंगा और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए नीचे जो लाइन आ रहा था वो हट गई। अगर मैं इस पैराग्राफ के नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन कर दूंगा और सेव करूंगा, तो आप देखिएगा पैराग्राफ में क्या होगा, इसमें सारे में लाइन खींचा गया, ठीक है, जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट होगा। मैं एंकर टैग में भी करता तो वहाँ पर भी खींचा जाता। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर ओवर लाइन हुआ है, ठीक है, नीचे नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है, इसके ऊपर ये लाइन खींचा गया, अगर अंडरलाइन करूँगा तो नीचे
उसका लाइन हो जाएगा ओवरलाइन कर दिया, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अंडरलाइन। अब इस बार क्या होगा कि टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचेगा जहाँ जहाँ पैराग्राफ है, ठीक है। और अगला प्रॉपर्टीज है लाइन थ्राउट, यहाँ पर लाइन लाइन थ्राउट लिखा, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए उसके बीच से ये लाइन खींच गया, बीच से देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज का उपयोग हम लोग लेटर को अपर केस या लोअर केस या कैपिटलाइज करने के लिए लिखते हैं। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लिखा गया है लेटर, देखिए यहाँ पे इसको पहले अंडरलाइन वाला हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ और इसका मैं फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए अब ये ऐसा दिख रहा है, अब पता चलेगा। ये देखिए सबका अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसी के नीचे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं अपर केस कर दूं, अपर केस, और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे बड़ा लेटर में हो जाएगा, ठीक है, बड़ा लेसर लेटर में अभी स्टडी हो जाएगा। अगर मैं लोअर केस करूँगा तो सारे छोटा केस में हो जाएगा, देखिए सारे छोटा केस में हो गया। अगर मैं कैपिटलाइज करूँगा तब पहला वाला बड़ा हो जाएगा, बाकी दूसरा वाला छोटा हो जाएगा, देखिए मतलब कैपिटलाइज। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए सबका पहला लेटर जैसे मतलब इस वर्ड का पहला वाला जो करेक्टर है बड़ा हो जाएगा, बाकी अंत वाला छोटा हो जाएगा। सब पहला फर्स्ट वाला सब देखिए बड़ा है, बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टेक्स्ट इंडेंटेशन, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट इंडेंट का प्रयोग कीजिए तब पहला लाइन में स्पेसिंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है, और इसमें मैं चेंज करता हूँ टेक्स्ट इंडेंट। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट लिखकर 20 पिक्सल लिखूंगा, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन है, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो पहला लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 पिक्सल हट गया, पहला लाइन हटेगा बाकी अगला लाइन नहीं हटेगा। मैं आगे दिखा देता हूँ, मैंने किया 80 पिक्सल, तो पहला लाइन को जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया तो पैराग्राफ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, पहला लाइन में यह स्पेसिंग करेगा, देखिए कितना स्पेसिंग कर लिया, ठीक है। अगला है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का उपयोग हम लोग देखिए करेक्टर के बीच स्पेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें माइनस में भी दे सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, H1 टैग में ये दोनों को हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग लेटर स्पेसिंग देखते हैं, लेटर स्पेसिंग अगर मैं लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल लिखूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, देखिए सब वर्ड के ये जो करेक्टर है सबके बीच 5 पिक्सल का दूरी हो जाएगा। अगर मैं सेम चीज अगर माइनस में कर दूंगा तो उतना ही वह सट जाएगा, -5 पिक्सल मैंने किया। सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए सारे को सारे सट गए। अब अगला है लाइन हाइट, देखिए लाइन हाइट का प्रयोग करते हैं जिससे आपको जो भी है लाइन के बीच दो लाइनों के बीच स्पेस देने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग लाइन हाइट का देखते हैं, लाइन हाइट को देखने से पहले ये वाला मैं ये दोनों नीचे वाला मैं अभी हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, अब पता चलेगा। यहाँ पर मैं लाइन हाइट इसको हम पॉइंट में भी दे सकते हैं, अभी मान लीजिए 0.7, ठीक है, मैंने दिया 0.7 दूंगा तो ये 0.7 का लाइन हाइट ले लेगा। अभी नहीं देखिए 0.7 है सट गया। अगर मैं 3 पिक्सल दूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो 3 पिक्सल का लाइन हाइट ले लेगा। 30 पिक्सल देता हूँ, देखिए 30 पिक्सल का लाइन हाइट ले लिया।
अगर मैं यहाँ पे 300 दे देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सबके बीच 300 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, इतना कौन देता है लाइन। ठीक है, सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग, देखिए इसका उपयोग हम लोग वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये वर्ड है इट इज के इट अलग वर्ड है, इज अलग वर्ड है, ये दोनों के बीच स्पेस देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे वर्ड और इसके बाद स्पेसिंग, SPACING स्पेसिंग, और इसके बाद हम लोग दे देंगे 20 पिक्सल। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखिए हर वर्ड के बीच 20 पिक्सल आ गया। देखिए व्हाइट स्पेस के बारे में देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी देखिए ये सब रेप है, इधर उधर से नहीं हो रहा है। अगर व्हाइट स्पेस, अगर मैं नो रेप लिखूंगा, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया व्हाइट स्पेस, और व्हाइट स्पेस के बाद नो रेप, नो रेप किया, तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए एक लाइन में ये बढ़ते गया जहाँ तक है, ऐसे रैप हो जा रहा था। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रैप रहता है, अगर मैं यहाँ पर रैप लिख दूंगा, नो हटा दूंगा, तो ये रैप हो जाएगा, रैपिंग हो जाएगा आपके वेब की पेज के अनुसार। देखिए जितना मैं, अगर नो रैप लिखेंगे तो वो पूरा चल जाएगा, आपको हॉरिजेंटली बढ़ते जाएगा। ठीक, और इसे बाय डिफ़ॉल्ट रैप ही रहता है। टेक्स्ट शैडो, देखिए टेक्स्ट शैडो हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग एडवांस CSS में भी जानेंगे इसके और एडवांस फीचर के बारे में। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का उपयोग हम लोग हॉरिजेंटली या वर्टिकली शैडो दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए टेक्स्ट शैडो लिखना है, पहला प्रॉपर्टीज आप दे दीजिएगा तो इसका हो जाएगा हॉरिजेंटली, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा वर्टिकली, जो टॉप से बॉटम होता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कलर दिखाने के लिए कैसा शेडो हो तो उसमें कलर दे देते हैं। और एक यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको हॉरिजेंटली दिया है या वर्टिकली, ये दिया है आपको ब्लर इफेक्ट, जो शेडो आपको ब्लर करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए, चित्रा जैसा दिखने के लिए उसका ये दिया प्रॉपर्टीज। अगला है कलर दे दिया गया है। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसका लेटर स्पेस H1 कटाता हूँ और इसका मैं फॉन्ट साइज में बढ़ाता हूँ, फॉन्ट साइज 200 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ, अब पता चलेगा। अब इसमें हम टेक्स्ट शैडो लगाएंगे, TEXT टेक्स्ट शैडो, पहला हम देते हैं 5 पिक्सल हॉरिजेंटली और दूसरा देते हैं हम वर्टिकली। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए सेम उसी टाइप का शेडो आ गया रेड टाइप पर। ठीक है, अगर मैं इसमें कलर दे दूंगा, कलर में दे दिया कि येलो। ठीक है, येलो लिखने के बाद मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये येलो कलर का हो गया। अगर आपको शेडो दे देना होगा, मतलब ब्लर इफेक्ट देना होगा, तो ब्लर इफेक्ट देने के लिए मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल, सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए हल्का ये चित्रा जैसा दिखेगा, हल्का ये मिक्सा मिला जैसा दिखेगा, ये येल्लो सब पता नहीं चल रहा है। मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसमें ब्लर इफेक्ट दूंगा, इसको मैंने दिया 8 पिक्सल, तो उतना मिलेगा, हल्का मतलब कम होते जाएगा, इसका बैकग्राउंड देखिएगा हल्का कम होगा। देखिए ये हल्का इसी में मिक्सर के छितरा टाइप पे कलर हो गया, कम डार्क टाइप पर हो गया, इसका ही काम था। और इसके और भी एडवांस प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।